दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। आज मैं आपको तकरीबन 15 से 20 ऐसे खतरनाक सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि ये आपके फोन के अंदर ही था और आपको बिल्कुल भनक भी नहीं था। और ऑब्वियसली आप जानना चाह रहे होंगे कि इससे आपको फायदा क्या है। तो फायदा बहुत सारा है दोस्तों। बैटरी लाइफ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपने IQ फोन का, अपने फोन के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को बिल्कुल रॉकेट की तरह भगाना चाहते हैं, और उससे भी बड़ी बात, आप अपने IQ फोन को बिल्कुल प्रो यूजर की तरह यूज कर पाएंगे, एक एक फिंगर टिप्स पे आपके सारे फैसिलिटीज होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं IQ न्यू 6 5G मोबाइल के 15 से 20 खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि आपको बिल्कुल प्रो यूजर बना देगा। और ये सब बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ऐसे मजेदार वीडियोस का आनंद सबसे पहले उठा सकें जैसे ही हम नए नए वीडियोस को अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले हिडन सेटिंग्स की तरफ, जो आपके फोन के परफॉर्मेंस को बहुत ही शानदार बना देगा और आपके फोन से बिल्कुल जितने भी एड्स हैं सारे को गायब कर देगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स के प्राइवेसी में आना होगा और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जो अगर ऑन है तो इसको फटाक से ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन ऑन है दोस्तों, इसके थ्रू IQ आपके पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के बारे में जानता है, और जितना वो आपके बारे में जानेगा उतना ही आपके रिलेवेंट एड्स को वो प्रोवाइड करेगा। तो अब वो जानेगा नहीं तो एड प्रोवाइड करेगा नहीं, क्योंकि उसको कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए जरूर से इसको ऑफ कर दीजिए, बैटरी बचाइए और अपना प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट कीजिए, और ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ही, बैक जाएंगे। और इसके नीचे आप देख सकते हैं आपको एक्टिविटी कंट्रोल्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको जाना है और यहां आप देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी आ जाता है, जो कि टर्न ऑन होगा बाय डिफॉल्ट। इसको आपको 100% टर्न ऑफ कर देना है। फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पहले इसको आप टर्न ऑफ कर दीजिए। तो दोस्तों 24/7 ये आपके वेब एंड ऐप का एक्टिविटी को चेक करते रहता है और उससे डेटा लेते रहता है, जैसे लोकेशन का डेटा हो या फिर आपका पर्सनलाइज्ड डेटा हो, मैप्स हो, सर्च हो। तो इससे नुकसान ये होता है दोस्तों कि आपका बैटरी लगातार ड्रेन होते रहता है और आपका फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, और आपको बदले में कोई बहुत खास फायदा नहीं होता है। इसलिए इसको ऑफ करने में ही आपकी भलाई है। इसमें अगर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको लोकेशन हिस्ट्री का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगेन ये बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। ये अगेन आपके लोकेशन को हिस्ट्री को लगातार सेव करते रहता है दोस्तों, अगेन बैटरी पर असर पड़ता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली आपको ऑन तब रखना चाहिए जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, तब आपको लोकेशन हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। वरना नॉर्मली अगर आप अपने नेटिव प्लेस पे रहते हैं या महीने में एक से दो दिन इधर उधर जाते हैं, तो बिल्कुल आपको लोकेशन हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। 100% इसको ऑफ कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और फाइनली गॉट इट कर दीजिए। इसके बाद इसी में अगर आप और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ऐड पर्सनलाइजेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ऑन होना ही होना है बाय डिफॉल्ट। और कोई आश्चर्य नहीं कि आपको लग रहा था कि आपका बैटरी जो है रात में आप सोते हैं 90% पे और सुबह में हो जाता है 50%, 40% बैटरी जाता कहाँ है। तो यही सब है जो बैटरी आपका बैकग्राउंड में खाते रहता है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं रहता है। गो टू एड सेटिंग्स में जाएंगे और एड पर्सनलाइजेशन यहाँ पर जो ऑन है इसको फटाक से ऑफ कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर जाएंगे और 100% आप देखेंगे इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स जो है वो इनेबल होगा, जिसका नुकसान ही नुकसान है दोस्तों। आपके एड्स का डिबगिंग का जितना भी लॉग है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो सारा का सारा सर्वर पे भेजा जा रहा है, आपका डेटा भी यूज हो रहा है, बैटरी भी यूज हो रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे तो असर पड़ ही रहा है, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होना है। तो आपके कॉस्ट पे दोस्तों आपका ये बैटरी और डेटा और फोन का परफॉर्मेंस क्यों अफेक्ट होगा, नहीं होना चाहिए। इसलिए फटाक से इसको आप डिसेबल कर देंगे। हाँ, अगर आपको IQ पैसा देता है तो जरूर आप ऑन रखिए, मुझे तो नहीं देता है। फिर से बैक जाएंगे और इसके नीचे आप देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक का ऑप्शन है, अगेन ये इनेबल होगा दोस्तों। इसको इंप्रूव करना है तो ये आपसे डेटा क्यों लेगा, आपसे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक का डेटा लेगा ताकि ये अपने आप को इंप्रूव कर सके। अगेन आपको पेमेंट कर रहा है तो जरूर कीजिए, मुझे तो नहीं कर रहा है, तो मैं तो पक्का से डिसेबल करने वाला हूं और अपना बैटरी बचाऊंगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करूंगा अपने मोबाइल का, और डेटा लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कोई डेटा जाएगा ही नहीं यहां से वहां। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो जब भी आप कोई मोबाइल लेते हैं, चाहे IQ का हो या किसी भी ब्रांड का हो बेसिकली, तो आप चाहते हैं कि आप ये जरूर इंश्योर करें कि उसमें ऐप लॉक हो, हाइड एप्स हो और ऐप क्लोन हो, ये तीनों ऐप का फैसिलिटी होना ही चाहिए, ताकि आप अपने मोबाइल को बिल्कुल प्रो यूजर की तरह यूज कर सके। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऐप लॉक देखते हैं कहां पर है, तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि पहली बार में आपको सेटअप करना होगा दोस्तों। आपको पासवर्ड देना होगा 6 डिजिट का या 4 डिजिट का, जो भी आप देना चाहें। मैंने पासवर्ड दे दिया है और साथ में फेस अनलॉक को और बायोमेट्रिक्स को भी इनेबल कर दिया है, तो मैं बायोमेट्रिक्स ही दे दूंगा। और आप देख सकते हैं प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में हम लोग आ जाते हैं, जहां पे ऐप इंक्रिप्शन मिल जाता है, यानी कि ऐप लॉक का फैसिलिटी आप
आपको देखने को मिल जाता है। और इतने सारे ऐप्स हैं जिसको आप लॉक कर सकते हैं, तो हम लोग एक एग्जांपल के लिए अमेजन को ही लॉक कर देते हैं, तो अमेजन को हम लोग इनेबल कर लेते हैं। इससे पहले आप अमेजन खोल रहे थे तो किसी भी तरह का पासवर्ड या बायोमेट्रिक्स आपके नहीं मांगा जाता था, मगर अब चूंकि आपने ऐप इंक्रिप्शन यानी ऐप लॉक को ऑन कर दिया है, तो आइए अभी देखते हैं कि ऐप्स में अमेजन जब आप ओपन करते हैं तो आपसे किसी भी तरह का पासवर्ड ये मांगता है या नहीं। तो हम लोग अमेजन को ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं ये आपसे मांगता है क्योंकि अमेजन इज इंक्रिप्टेड बोलता है। चलिए इस बार पासवर्ड देते हैं, तो पासवर्ड दे देते हैं, चाहे 4 डिजिट होगा चाहे 6 डिजिट होगा, मैंने 6 डिजिट दिया था। देखिए अमेजन खुल जाता है। वापस से हम लोग सिक्योरिटी के प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको हाइड ऐप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी आपने देखा था अमेजन को अभी हम लोगों ने ओपन किया था, जिसको हम लोगों ने इंक्रिप्ट किया था यानी लॉक किया था, चलिए इसी को हाइड कर देते हैं ताकि पता चले कि वाकई हाइड होता है कि नहीं। डू नॉट रिमाइंड मी अगेन कर देंगे, ओके कर देंगे। वापस से ऐप्स में जाएंगे और देखते हैं अमेजन दिखता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अमेजन गायब हो गया, अभी तो ये खुल रहा था। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि इन ऐप्स को आप कहां पर देखेंगे, तो ऑब्वियसली आप सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद आप सिक्योरिटी में जाएंगे, उसके बाद आप यहां पर प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन में जाएंगे, बायोमेट्रिक को देंगे और यहां पर आप देख सकते हैं हाइड ऐप में आपको ऑप्शन मिल जाता है व्यू हिडन ऐप्स का, इसको आपको इनेबल कर लेना है। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि जब आप होम स्क्रीन पे होंगे, नीचे 2 उंगली से ऊपर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको हिडन ऐप्स देखने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस आपको बायोमेट्रिक या पासवर्ड दे देना और आप देख सकते हैं एक ऐप जो हिडन है वो अमेजन है, यहाँ पर यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। वैसे एक और तरीका हिडन ऐप देखने का, ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी में आना होगा, प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन में आना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू हिडन ऐप है, यहाँ से आप डायरेक्टली हिडन ऐप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐप क्लोन इसमें आपको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है दोस्तों, सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद आप ऐप्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप क्लोन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप जानते हैं ऐप क्लोन करता क्या है दोस्तों, एक ही मोबाइल में 2 कॉपी बना देता है और मोस्टली ये सोशल मीडिया ऐप्स के ही कॉपी बनाता है। यही कारण है कि मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक है, तो देखिए यहाँ पर आई डिफॉल्ट ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग व्हाट्सएप का क्लोन बना लेते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। तो हम लोग इसको इनेबल कर लेंगे, आप देख सकते हैं डुप्लीकेट आइकॉन क्रिएट हो चुका है। कहाँ क्रिएट हुआ है दोस्तों, तो ऑब्वियसली हम लोग को ऐप स्क्रीन में जाना होगा, नीचे आना होगा व्हाट्सएप में, आप देख सकते हैं एक व्हाट्सएप ये ओरिजिनल है और ये सेकंड व्हाट्सएप है जिसमें ब्लैक कलर का डॉट बना हुआ है जो बताता है कि ये कॉपीड व्हाट्सएप है। तो बस मजे ही मजे हैं दोस्तों, एक ही मोबाइल में आप दो व्हाट्सएप यूज कीजिए, इसको अलग अकाउंट से, इसको अलग अकाउंट से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप होम स्क्रीन में होते हैं, ऊपर से कहीं से भी स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं ग्लोबल सर्च खुल जाता है, जो आपको बहुत जरूरत नहीं पड़ता है दोस्तों क्योंकि आप बहुत ग्लोबल सर्च यूज नहीं करते हैं। बड़ा स्क्रीन है दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन लाने में उंगली को ऊपर तक ले जाना पड़ता है, ऐसे करना होता है तब नोटिफिकेशन आता है। तो आप चाहते हैं कि होम स्क्रीन पर कहीं भी ऊपर से नीचे करें तो नोटिफिकेशन खुल जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा, यानी होम स्क्रीन में लॉन्ग टैप करके रखना होगा, होम सेटिंग्स में आना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर आपको टच करना होगा। अभी ग्लोबल सर्च आ रहा था, नोटिफिकेशन सेंटर पर कर दीजिए। अब होम स्क्रीन में जाएंगे, कहीं से भी ऊपर से नीचे करेंगे और देखिए नोटिफिकेशन सेंटर खुल जाता है, क्विक पैनल खुल जाता है। दोस्तों सपोज कीजिए कि आपके मोबाइल का स्क्रीन जो है वो लॉक है, कोई भी ऊपर से नीचे करता है तो आप देखते हैं कि वो कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकता है। इनफैक्ट हॉटस्पॉट ऑन करना हो तो देखिए हॉटस्पॉट भी ऑन हो जाता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हो सकता है आप अपना लॉक करके मोबाइल कहीं वॉशरूम गए हो, कहीं गए हो और कोई भी इस तरह का काम कर दे और ऑब्वियसली वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं लॉक स्क्रीन में कोई भी आपके कंट्रोल सेंटर को ना खोल सके, तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली फोन के सेटिंग्स में जाना होगा, इसके बाद लॉक स्क्रीन में आना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स का और उसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम लॉक स्क्रीन, ऑब्वियसली ये इनेबल इसलिए ओपन हो रहा था, अब आपको इसको डिसेबल कर देना है। होम स्क्रीन में जाना है, इसको लॉक कर देना है। अब देखिए आप लॉक स्क्रीन में आते हैं, ऊपर से नीचे करेंगे तो आपका कंट्रोल सेंटर नहीं खुलेगा। अभी आपने देखा दोस्तों कि मैंने होम स्क्रीन पर डबल टैप किया तो देखिए लॉक हो जाता है, फिर से डबल टैप करता हूं तो देखिए ये लाइट ऑन हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, आपके मोबाइल में क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा क्योंकि ये भी एक हिडन फीचर है। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में, इसके अंदर आप जाएंगे, इसके बाद स्मार्ट मोशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने मिल जाता है और इसमें इन दोनों ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है, डबल टैप टू लाइट, डबल टैप टू टर्न ऑफ। और इसी में एक बोनस ऑप्शन और है दोस्तों, रेस टू वेक का, यानी हाथ में जैसे ही आप अपने मोबाइल को लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑन हो जाएगा और फेस अनलॉक मांगेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगर आपका फोन लॉक होता है, आप इसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो देखिए फेस अनलॉक मांगता है, मगर फेस अनलॉक आप दे देते हैं तो आप देख सकते हैं कि अनलॉक तो हो जाता है मगर ये लॉक स्क्रीन पे ही रहता है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता दोस्तों। इसको ऑटोमेटिकली आपको होम स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, जिसको आप एक बार स्वाइप अप करते हैं तो आता है। अब आपको बनना है प्रो यूजर, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें आपको होना ही चाहिए आपके मोबाइल में, ताकि आपके दोस्त देखे और आश्चर्य करके रहे मेरे मोबाइल में तो नहीं होता है। तो आप कैसे करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे सिक्योरिटी में, इसके अंदर जाएंगे और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फेस मिल जाता है, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड दे दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कल्प्रिट है बैठा हुआ है, स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इसको आपको डिसेबल कर देना है, बस इतना करना है। और रात के अंधेरे में आप फेस अनलॉक करते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा लाइट आए तो स्क्रीन फिल लाइट जरूर कर दीजिए ताकि रात के अंधेरे में ये थोड़ा सा लाइट को बढ़ा दे और आपके चेहरे को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके। अब दोस्तों ऑब्वियसली इसको आप चेक करना चाहेंगे काम करता है नहीं करता है, तो लॉक कर दीजिए, अनलॉक कीजिए, देखिए फेस मांगता है, देखिए फटाक से ये होम स्क्रीन पे आ जाता है, कहीं भी अब डिले नहीं होता है, कोई स्क्रीन पे रुकता नहीं है। इसी तरह का और हिडन फीचर है दोस्तों, जो कि आपके लिए जानना
करना बहुत जरूरी है प्रो यूजर बनने के लिए। अगेन लॉक कर देंगे, अनलॉक करने की कोशिश करेंगे पासवर्ड देकर। आप देख सकते हैं ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड दे देंगे। और देखिए पासवर्ड देने के बाद भी आपको ये टिक पे टिक करना है, तभी ये अनलॉक होगा, वरना नहीं होगा। देखिए मैं क्लिक करता हूं और देखिए अनलॉक होता है। ये भी जरूरत नहीं है दोस्तों, जब आपने पासवर्ड दे दिया तो ऑटोमेटिकली अनलॉक करके इसको होम स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। तो अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आपको अगेन पिन देना होगा अपना, ओके करना होगा, और यहां पर आप देख सकते हैं पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो पिन में जाएंगे, अगेन हम यहां पर पिन दे देंगे, और ये एंटर पासवर्ड ऑफ सेट लेंथ टू डिटरमिन ऑटोमेटिकली, इसको आपको चेक कर देना है, यानी कि सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है, अगेन आपको पिन दे देना है, ओके कर देना है, यानी कंफर्म कर देना है। अब देखिए फोन को आप लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, पिन देने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4, और देखिए ऑटोमेटिकली आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जिसको आप अचानक से कभी कभी रिक्वायर्ड हो जाता है कि ओपन करना, फोटो लेना। जैसे मोड आपके सामने है, पंख फैलाए हुए है, आप इसको अनलॉक करेंगे, फिर कैमरा में जाएंगे, फोटो में जाएंगे, खींचेंगे, तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो जाता है। फटाक से कैमरा ऑन करना हो तो इसमें 3 सेटिंग्स ऐसा है जिसमें आप फटाक से इसका कैमरा ऑन कर सकते हैं लॉक स्क्रीन में ही। आपको फोन को अनलॉक करने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले लॉक कर देते हैं, लॉक स्क्रीन में आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा का आइकॉन बन जाता है। बस इसको आपको ऐसे करना है और देखिए कैमरा खुल जाता है। फटाक से आप फोटो ले लीजिए, आपका कोई भी प्रीशियस मोमेंट जो है वो मिस नहीं होगा। अब दोस्तों कैमरा को दूसरा तरीका से कैसे खोला जा सकता है, तो फोन को पहले आपको लॉक कर देते हैं, और फोन पे आपको एक अल्फाबेट लिखना होगा ई, और ऐसे ही आप ई लिखेंगे आप देखेंगे ये रिकॉग्नाइज करता है और कैमरा को ओपन कर देता है, मगर उसके पहले आपसे पिन मांगता है। तो कोई बात नहीं, पिन दे दीजिए और देखिए कैमरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अब ऑब्वियसली 2 तरीका हो गया दोस्तों, तो तीसरा तरीका तो जानना ही है, इसके लिए हम लोग को सेटिंग्स में जाना ही होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्मार्ट मोशन मिल जाता है, इसके अंदर जाएंगे, स्मार्ट वेक के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन टू टेक अ फोटो, इसको आपको बस इनेबल कर देना है। और जो ई वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया दोस्तों सेकंड, जिससे कैमरा आपने ऑन किया था, वो यहाँ पर है ड्रॉ ई, इस पे आप टच करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन चुन लेना है कैमरा का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा मैंने इनेबल करके रखा हुआ है ड्रॉ ई में। तो तीसरे तरीका की मैं बात कर रहा था, स्वाइप डाउन टू टेक फोटो, यानी कि स्वाइप डाउन करना है फोटो लेने के लिए। तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली आपको फोन को लॉक करना होगा, स्वाइप डाउन करना होगा, और आप देख सकते हैं कैमरा जो है वो खुल जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ दोस्तों। तो हम लोग नोटिफिकेशंस में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जिसको आप कभी कभी क्लियर ऑल कर देते हैं बिना पढ़े हुए बिना देखे हुए, मगर बाद में आपको एहसास होता है कि नहीं इसमें से कुछ नोटिफिकेशन तो काम का था, मगर अब तो वो क्लियर कर चुके हैं आप, तो अब तो वापस आएगा नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन सा नोटिफिकेशन था। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है और मैसेज को डिलीट कर देता है, तो यहाँ पर आ जाता है मैसेज वॉज डिलीटेड। तो ऑब्वियसली आप नहीं देख पाते हैं कौन सा मैसेज था, क्या डिलीट हुआ, आप टेंशन में आ जाते हैं कि क्या बात है नहीं है। तो क्या आप अपने पुराने नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज को डिलीट कर दिया तो आप ओरिजिनल मैसेज को देख सकते हैं कि वो ओरिजिनल मैसेज क्या था? बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए पहले तो मैं ही इसको क्लियर ऑल कर देता हूं, और सेटिंग्स में जाते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नोटिफिकेशंस में आते हैं, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं आपको सारा नोटिफिकेशन का डिटेल्स मिल जाता है, जो जो हिस्ट्री आपको यहां पर सेव हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का 2 नोटिफिकेशन है, ऑब्वियसली एक जो डिलीट हो गया और एक जो ओरिजिनल मैसेज था, तो इस पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि क्या है ओरिजिनल मैसेज। तो आप देख सकते हैं MTG यू रॉक्स, देखिए तारीफ भी करता है लोग और डिलीट भी कर देता है, क्या जमाना आ गया है दोस्तों। तो पहले उसने तारीफ किया MTG यू रॉक्स, यानी मैजिकल टिगरू यू रॉक्स, और उसके बाद उसने डिलीट कर दिया। तो आपको कभी पता नहीं चल पाता अगर आपने नोटिफिकेशन हिस्ट्री को इनेबल करके नहीं रखा होता। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और क्या आपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया? नहीं किया दोस्तों तो जरूर से शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये शेयर करना पुण्य का काम है, पुण्य का काम करते रहना चाहिए। अब आइए दोस्तों फिर से बढ़ते हैं हिडन फीचर्स की तरफ। तो अगेन आपको लॉक करना होगा स्क्रीन को, और आप स्क्रीन लॉक करेंगे तो लॉक स्क्रीन में आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है पावर ऑफ करने का, रीस्टार्ट करने का। तो क्या आपको ये जेन्युइन चीज लगता है दोस्तों कि लॉक स्क्रीन करके आप कहीं वॉशरूम गए हैं, मीटिंग में गए हैं, ऑफिस में हैं, और कोई लॉक स्क्रीन से ही पावर ऑफ करके आपका पावर को ऑफ कर दे, और देखिए ये ऑफ हो भी जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल भी आपको होना नहीं चाहिए, रोकना चाहिए था। तो बिल्कुल रोकेंगे दोस्तों, पहले पावर ऑन कर लेते हैं, और ये रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी लॉक स्क्रीन से आपके मोबाइल को ऑफ कैसे कर सकता है, नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए आपको मैजिकल टेक गुरु की जरूरत है दोस्तों। ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो अपने मोबाइल का आप नहीं जानते हैं, और सारे फीचर्स आपके मोबाइल में ही हैं, जो सबसे अच्छी बात है। तो देखिए IQ का लोगो आ गया है, 5G का ब्रांडिंग भी आ गया है, और फोन को अनलॉक करने का टाइम आ गया है। तो अनलॉक कर लेते हैं पासवर्ड से, और देखिए अब तो टिक मार्क भी करने का जरूरत नहीं है, कितना फायदा हो रहा है आपको। तो दोस्तों फोन जब रीस्टार्ट हो ही गया है तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, ताकि कोई भी लॉक स्क्रीन से आपके फोन को शटडाउन ना कर सके, पावर ऑफ ना कर सके। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्राइवेसी में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है अनलॉक टू टर्न ऑफ द लॉक फोन, जो कि ऑब्वियसली डिसेबल था, इसलिए कोई भी आपके लॉक फोन से पावर ऑफ कर दे रहा था। इसको फटाक से आपको इनेबल कर लेना है। फायदा क्या होगा, अभी आप देखेंगे फोन को लॉक कीजिए, पावर ऑफ करने की कोशिश कीजिए पावर बटन को दबा के, तो ऑप्शन आ जाता है अब पावर ऑफ कीजिए, और देखिए आपसे पिन
मांगता है। ऑब्वियसली पिन तो सिर्फ आपके पास है, यानी सिर्फ आप ही इसको पावर ऑफ कर सकते हैं। तो सीधी बात है, पिन देंगे तो ये पावर ऑफ होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, जिसमें आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपके आईक्यू के इस मोबाइल में आप फोटो को या वीडियो को या फिर किसी भी अपने डेटा को प्राइवेट बना सकते हैं कि नहीं, यानी कि सेफ फोल्डर में रख सकते हैं कि नहीं, ताकि दुनिया का कोई भी ऐप या कोई भी इंसान उसको ना देख सके, सिर्फ आप उसको देख सके, क्योंकि वो प्राइवेट है आपके लिए। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है दोस्तों। इसके लिए हम लोग एप्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको फाइल्स ऐप देखने को मिलेगा जो कि गूगल का ऐप है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और एग्जांपल के लिए इमेजेस को हम लोग को करना है दोस्तों, तो हम लोग इमेज में जाएंगे और इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसको इसको हम लोग को प्राइवेट बनाना है। सपोज हम ये चार इमेज है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थ्री डॉट्स के मेनू में जाएंगे और मूव टू सेफ फोल्डर कर देंगे। और जैसे ही मूव करेंगे तो ये आपसे मांगेगा पिंच या पैटर्न, यानी दोनों में से कोई एक आपको सिक्योरिटी पैटर्न देना होगा ताकि आप ही उसको खोल सके और कोई भी ना खोल सके। तो चलिए पिन तो काफी हो गया, पैटर्न देते हैं, पैटर्न एक सिंपल सा दे देंगे अभी के लिए। और देखिए ये बोलता है एटलीस्ट 5 डॉट्स को करना होगा, बहुत सिक्योरिटी है दोस्तों। तो चलिए 5 डॉट कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिर से 5 डॉट कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और देखिए ये आपका सेफ फोल्डर जो है वो लॉक हो जाता है, गॉट इट कर देंगे। और जितने भी फाइल्स थे आप देखे ऑटोमेटिकली वो सेफ फोल्डर में चला गया और आपके इमेजेस फोल्डर से गायब हो गया। ठीक इसी तरह से दोस्तों सिर्फ फोटो ही नहीं, आप वीडियो चाहे तो वो डाल सकते हैं या किसी भी तरह का फाइल हो उसको आप सेफ फोल्डर में डाल सकते हैं। सेफ फोल्डर कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर सेफ फोल्डर मिल जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेफ फोल्डर का डेटा सिर्फ आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली कोई भी बाहर का थर्ड पार्टी ऐप या बाहर का कोई भी इंसान नहीं देख सकता है। तो ऑब्वियसली आपको सेफ फोल्डर में जाना होगा, ये आपसे पैटर्न बोलेगा करने के लिए, तो पैटर्न आप दे दीजिए जो आपने दिया था। और देखिए आप जितने भी इमेजेस हैं या फिर ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है या किसी भी अगर डेटा जो आपने इसमें रखा हुआ है उसको आप यहां से देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपका फोन अगेन से लॉक है, आप देख सकते हैं आपका फोन लॉक्ड है। और लॉक्ड स्क्रीन में ही आप चाहते हैं कि आपका फ्लैशलाइट जो है वो ऑन हो जाए, तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी अचानक से पावर कट जाता है, फोन आपका लॉक रहता है, तो आप चाहते हैं फ्लैशलाइट ऑन करना, तो आपको फोन को अनलॉक करना है, फिर अंदर जाके फ्लैशलाइट ऑन करना है, बहुत हेडेक है दोस्तों। इस तरह से तो आप प्रो यूजर नहीं बन पाएंगे अपने मोबाइल के। तो प्रो यूजर अगर आपको बनना है अपने मोबाइल का, तो आपको यह ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। तो बस अपना आईक्यू न्यू मोबाइल आपको ले लेना है, वॉल्यूम डाउन बटन को थोड़ा देर तक प्रेस करके रखना है और अब देखिए फ्लैशलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अब ऑफ करना है तो अगेन वॉल्यूम डाउन बटन को फिर से प्रेस करके रखना है और जब तक ये ऑफ ना हो जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप जानते हैं कि जब आप रीसेंट ऐप में जाते हैं और यहां पर आइकॉन है, आइकॉन पर टच करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का, यानी कि इस क्रोम के विंडो को आप स्प्लिट स्क्रीन पर टच करके स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आधा स्प्लिट स्क्रीन में होता है, आधा यहां से आप किसी को भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं फेसबुक को कर देता हूं, देखिए फेसबुक यहां पर आ जाता है। मगर दोस्तों आप जानते हैं कुछ ऐप्स हैं जैसे इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है और भी बहुत सारा ऐप है जो स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि आप उसको स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मगर फोर्सफुली आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? एग्जांपल के लिए एक ऐप ले लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्युनिटी का ऐप है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, रिसेंट्स में जाते हैं और यहाँ पर आइकॉन में जाते हैं और देखते हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आइए जुगाड़ करते हैं कि कैसे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग को सेटिंग्स में जाना होगा, इसमें सबसे नीचे स्क्रॉल करके हम लोग को सिस्टम में जाना होगा, इसमें भी सबसे नीचे स्क्रॉल करना होगा, डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाना होगा। मगर ये क्या दोस्तों, सिस्टम में डेवलपर ऑप्शन तो आपको दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन है जिसको कि इनेबल करना होता है। कैसे करना होता है, तो पहले मैं ही इसको डिसेबल कर देता हूं। देखिए मैंने डेवलपर ऑप्शंस को ऑफ कर दिया। तो डेवलपर ऑप्शंस को वापस लाने के लिए दोस्तों हम लोग बैक जाएंगे, अबाउट फोन में जाएंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ड नंबर आपको देखने को मिल जाता है, मल्टीपल टाइप करेंगे 7-8 बार और यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर नाउ वन स्टेप अवे फ्रॉम डेवलपर, जो भी आपका पिन है वो दे देंगे, ओके कर देंगे और देखिए ये बोल देता है यू आर नाउ अ डेवलपर। तो कैसे चेक करेंगे? ऑब्वियसली बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे, डेवलपर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है जो कि इनेबल्ड है। और यहाँ पर पहला चीज जो आप गौर करेंगे दोस्तों वो है कि मेमोरी का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी कि एवरेज 4.4 GB जो यूज हो रहा है वो 8 GB का यूज हो रहा है और एक्स्ट्रा से 4 GB यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एक्सटेंडेड रैम या फिर रैम प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वापस हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि कैसे आप उस ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको सबसे नीचे आना है दोस्तों और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंड बाई एप्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इसको आपको इनेबल कर लेना है। इसके बाद इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज कर लेना है और इनेबल नॉन रिसाइजेबल मल्टी विंडो है इसको कर लेना है। इन तीनों ऑप्शन को इनेबल करने के बाद अब चेक करते हैं कि मल्टी विंडो जो है वो काम करता है कि नहीं। तो ऑब्वियसली हम लोग रिसेंट्स में जाएंगे, ऐप तो ओपन है ही, तो यही ऐप था दोस्तों। इसके हम लोग इस आइकॉन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अब चलिए वापस हम लोग डेवलपर ऑप्शंस में जाते हैं, ऊपर आते हैं और देखते हैं आपको इसमें और क्या फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसमें शो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको बस
इनेबल कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिफ्रेश रेट पे करंटली आपको मोबाइल रन कर रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे देखिए ये फोन आइडल है तो अभी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे ये काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही जरा सा इसमें कुछ एक्टिविटी होगा तो ये 120 हर्ट्ज पे कन्वर्ट कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 120 आ जाएगा, फिर से देखिए यहाँ पे 60 आ जाएगा, फिर से देखिए 120 आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शंस में दोस्तों एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है जिससे आपका बैटरी लाइफ जो है वो बढ़कर एक दिन से डेढ़ दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। इसके लिए आपको थोड़ा नीचे आना होगा और आप देखेंगे ये ड्रॉइंग का ऑप्शन में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है विंडो एनिमेशन स्केल का, जो बाई डिफॉल्ट 1x पे होता है। अगर आपको एक ड्रास्टिक चेंज चाहिए बैटरी लाइफ में, आपको बैटरी लाइफ इंक्रीज करना है एक दिन से दो दिन करना है, तो एनिमेशन को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। डेढ़ दिन करना है तो 1x या 0.5x कर दीजिए। तो चलिए दो दिन नहीं करते हैं दोस्तों, डेढ़ दिन कर लेते हैं, 0.5x कर देते हैं। एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल को भी 1x से 0.5x कर देते हैं और आप देख सकते हैं ये तीनों स्केल मैंने 1x से 0.5x कर दिया है। अब आपका बैटरी लाइफ डेफिनेटली एक दिन से डेढ़ दिन हो जाएगा, यानी 24 घंटा होता तो 36 घंटा हो जाएगा। ये गारंटीड है, टेस्टेड है, आप भी कीजिए और बाद में धन्यवाद देना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको IQ Neo 6 की ये जो 15 से 20 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स मैंने आपको बताया, जो ना सिर्फ आपको एक प्रो यूजर बनाने में मदद करेगा बल्कि आपके फोन के बैटरी को लाइफ को बढ़ाएगा, डेटा को बचाएगा, प्राइवेसी को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर लेगा और फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को बिल्कुल मक्खन की तरह रॉकेट की तरह फास्ट बना देगा। बस इस सेटिंग को आज कीजिए और 3-4 दिन बाद देखिए आपका ये चेंजेस आपके फोन में होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों, ताकि औरों को भी ये पता चल सके कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाकई काम करते हैं। मैंने तो चेक किया हुआ है, ये 100% काम करते हैं, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, इसलिए मैंने आपको बताया है। और आपको लगता है कि इससे आपको किसी भी तरह का फायदा होने वाला है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जाती कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके फायदे का टॉपिक होगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।